पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ ECS फाइनेंस अफताब जैन जी हैं। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए यदि एक लाइन में मैं कहूं तो यह हमारा संजीवनी बजट है। राज्य को अर्थव्यवस्था को संजीवनी है, खेत गांव और किसानों के को संजीवनी है, शिक्षक से लेकर स्वास्थ्य तक संजीवनी है, आम जनता के हितों से जुड़े हुए हर मोर्चे और हर वर्ग के लिए यह बजट प्राणों का संचार करने वाला संजीवनी है। विगत वर्ष के प्रावधान जारी रखे गए हैं और नए प्रावधान भी किए गए हैं। आदरणीय साथियों, यह हमारी सरकार के दूसरी बजट और यह मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, स्वस्थ और सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण, ये भावना हमारी रही है। यह बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ साथ किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में प्रगति के नए सोपान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के विकास के लिए, युवाओं की ऊर्जा का उत्पादक संसाधनों के रूप में अनुप्रयोग, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवेदनशील प्रशासन के अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ को समर्पित है। आदरणीय साथियों, बजट एक नज़र में कुल आय 2019-20 में 91,542 करोड़ और 2020-21 के बजट अनुमान 96,091 करोड़। कुल व्यय 19-20 में 90,910 करोड़, 2020-21 में अनुमान 95,650 करोड़। राजस्व व्यय 78,595 करोड़, 2021 में 81,400 करोड़। पूंजीगत व्यय 19-20 में 12,110 करोड़, 2021 में अनुमान है वो 13,814 करोड़। राजस्व अधिक पिछले वर्ष 1,151 करोड़, इस वर्ष का अनुमान 2,431 करोड़। सकल वित्तीय घाटा पिछले वर्ष 10,881 करोड़, इस साल जो अनुमान है वो 11,518 करोड़। आर्थिक स्थिति वर्ष 19-20 में प्रावधिक अनुमान के अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की GSDP में 6.08% की तुलना में त्वरित अनुमान के अनुसार 7.06% की वृद्धि संभावित है। वर्ष 19-20 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 3.31%, औद्योगिक क्षेत्र में 4.94% और सेवा क्षेत्र में 6.6% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 2.8 एवं 2.5% की तुलना में अधिक है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में 3,04,000 करोड़ से बढ़कर 19-20 में 3,29,000 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.26% अधिक है। विगत वर्ष अनुमानित प्रति व्यक्ति आय
96,887 करोड़ की तुलना, क्षमा चाहूँगा फिर से मैं पढ़ देता हूँ, विगत वर्ष अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 96,887 की तुलना में वर्ष 19-20 के प्रति व्यक्ति आय 98,281 रुपया का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 6.35% अधिक है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नई युवा पीढ़ी का निर्माण, राज्य के सभी परिवार सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। राज्य के 65,22,000 राशन कार्डधारी, लाभान्वित जनसंख्या 2,43,00,000, इन राशन कार्डों पर चावल प्रदाय हेतु 3,410 करोड़, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाके में प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ वितरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। कोंडा गांव में आयरन एवं विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण पायलट परियोजना के लिए 5,80,00,000 का प्रावधान है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ऊंचाई लंबाई एवं भार मापक यंत्रों की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5,00,000 रुपये एवं सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50,000 तक कैशलेस इलाज की सुविधा है। लगभग 65,00,000 परिवारों को इलाज की पात्रता के लिए 550 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20,00,000 तक के व्यय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में 13 करोड़ का प्रावधान है। 5 माह के अल्प अवधि में ही 11,00,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 13 नगर निगम क्षेत्रों में स्लम एरिया में निवासरत परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। राज्य सिकल सेल संस्थान में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला एवं सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल यूनिट की स्थापना की जाएगी।